बिरवल गांव का लाल भोजपुरी फिल्म सिटी में गायक के रूप में किया नाम रोशन। खबर प्रयागराज के विकास खंड जसरा के अंतर्गत बिरवल गांव का लाल, जो कि फिल्म जगत में गायक के रूप में अपना एक अलग पहचान बना चुका है। यहां तक कि उसकी पत्नी मधु पांडे अपनी गायिका का देश ही नहीं विदेशों में भी लोहा मनवा चुकी है, तथा भोजपुरी फिल्म जगत के कई मशहूर एक्टर रवि किशन, मालिनी अवस्थी, मनोज तिवारी आदि के साथ कई वर्षों से काम करने के साथ साथ कई नेता एवं मंत्रियों द्वारा सम्मानित पत्र से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, जिसके उपरांत आज ये अपने जन्मभूमि बिरवल में बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें, जिससे उन्होंने लोगों के मध्य जानकारी देते हुए कहा कि मेरी इच्छा है बिरवल को लोग हमारे न रहने के उपरांत भी लोग स्वर कोकिला मधु मंकंच पांडे के गांव के नाम से भी जाने। कुछ लोगों द्वारा पूछने पर कि आपका नाम तो केवल पंकज पांडे है, फिर मधु पंकज पांडे कैसे, जिससे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कृष्ण के पहले राधा का नाम आता है, उसी प्रकार मेरी इच्छा है कि मेरे नाम के पहले लोग मेरी पत्नी मधु का नाम जोड़कर मधु पंकज पांडे लिया करें, और उनके बिना मेरा नाम ही नहीं, मैं भी पूर्णतया अधूरा रह जाता हूँ। ग्रामीणों द्वारा एक गीत सुनाने की आग्रह पर उन्होंने अपने गाँव से जुड़ी एक गीत सुनाकर लोगों का मन मोह लिया। बिरवल नाथिया पर लिखवाला गोरिया हो जईबू मशहूर, जन्म दियो विधाता प्रयागराज खंड 61 में चले, जहाँ गंगा धारा विच नाव रे, स्वर्ग से सुंदर ऐसा लागे मेरा बिरवल गांव रे। इस लाइन में 20 साल से हूँ। हमारी पत्नी भी बहुत अच्छा गाती है, मधु पांडे जी, उनका काफी चैनल पे नाम भी है। और हम कितने वर्षों से आप हम 20-22 वर्षों से हैं जी। जी सर, तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे? आप इस समय कहाँ गायकी का कार्य कर रहे हैं, कहाँ सिंगर, और इस समय कहाँ पे आप हैं? सर जी, मैं तो दिल्ली में पहले था, अब मैं गाँव आया हुआ हूँ। मैं 11 तारीख को हैदराबाद जा रहा हूँ जी, वहाँ पर प्रोग्राम है, मैं बहुत बड़ा मेरा जी, तो हम और मधु पांडे जी का वहाँ प्रोग्राम है और प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और वहाँ से प्रोग्राम करके हम आएंगे। फिर हमारा दिल्ली में प्रोग्राम है 17 सितंबर का जी, प्रेम नगर किलारी में जी, वो भोजपुरी अकादमी की तरफ से हमारा प्रोग्राम है जी। आपकी मैडम, जैसा कि देखा जा रहा है कि आपकी मिसेज भी बहुत बड़ी गायिका हैं, उनका नाम क्या आप बताना चाहेंगे? उनका नाम मधु पांडे है जी, मेरी पत्नी है, वो बहुत अच्छा सिंगर है, संग्राम में रह चुकी है वो जी, और हम भी गए हुए हैं। तभी किशन जी बहुत हमको लोग को लाइक करते हैं, मनोज तिवारी जी लाइक करते हैं जी, हाँ, तो मालिनी अवस्थी जी लाइक करती हैं, कल्पना जी लाइक करती हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल के लोग हैं सभी। अब उनका मधु जी का बहुत काफी कैफेट टीएफ से आए हुए हैं, आप यूट्यूब देख सकते हैं, टीएफ कंपनी से बहुत कैफेट आए हुए हैं उनको जी। आपका ग्राम सभा और जन्मभूमि कहाँ है? सर मेरा तो ग्राम सभा बिरवल है, बिरवल की हमारी पैदाइशी है और 12 तहसील है मेरा। तो अगर देखा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं हो कि आप बिरवल ग्राम को जो है एक उसमें आप नाम रोशन करना चाहते हैं, ताकि बिरवल का नाम भी। सर, मैंने एक गीत पहले बहुत एल्बम निकाला कि मैं हूँ हीरो यमुना पार का, कोई गीत आप सुनाना चाहेंगे? जी सर जी। तो जैसे अब गंगा जी यमुना जी का धारा बहुत तेज बह रही है, बूढ़ा भी आ गया है, तो चले जैसे अरे गंगा जी के धार प्यार अरे। कि मधु पंकज पांडे जी, जैसा कि देखा जा रहा है आप सिंगर के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं और भोजपुरी मशहूर गायक के रूप में हैं, और सुना गया कि आप काफ़ी सम्मान से भी सुशोभित किए गए हैं, चाहे नेता हों, बड़े बड़े अधिकारी हों, तो क्या आप अपने बारे में कुछ या गांव क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? सर हाँ, ये तो है, मैंने संघर्ष किया हूँ, मेहनत किया हूँ, लोगों तक पहुँचा हूँ, ये तो मान सम्मान माननीय राजनाथ जी की बहुत है हमारे ऊपर, और माननीय अडवाणी जी का है, अटल